हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को एक और न्यू एसएमएम पैनल वेबसाइट बना करके दिखलाने वाला हूं। कुछ इस तरह का एसएमएम पैनल वेबसाइट आज के इस वीडियो में आप लोग को बना करके गाइस दिखलाने वाला हूं। तो एसएमएम पैनल वेबसाइट का आप लुक देख सकते हैं। फोटर का कुछ इस तरह का लुक आता है, जहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आता है और इस तरह का होम पेज रहता है। यहाँ पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सर्विस, टिकटॉक सर्विस, ट्विटर सर्विस, ये सारे ऑप्शन आते हैं। और यहाँ पर डैशबोर्ड, यहाँ पे मैं एडमिन पे लॉगिन हूँ इसलिए डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, लॉगिन साइनअप दिखेगा। कुछ इस तरह का आपको पावरफुल एडमिन पेज मिलता है इस एसएमएम पैनल वेबसाइट का, जहाँ से आप पूरा कंट्रोल करते हो आप अपने वेबसाइट को। तो इसके अंदर गाइस फीचर्स की बात करेंगे बनाने से पहले। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो रिफिल का ऑप्शन मिल जाता है आपको, चाइल्ड पेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अंदर गाइस मल्टीपल पेमेंट गेटवे, यहाँ पे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं आपको पेमेंट गेटवे भी दिखाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल पेमेंट गेटवे, पेपाल, स्ट्राइप, पेयू मनी, परफेक्ट मनी, पेटीएम, पेटीएम क्यूआर, कॉइनबेस, कैशमॉल, ये सारे पेमेंट गेटवे गाइस इसके अंदर मिल जाता है, जो कि एकदम यूजफुल है। उसके बाद इसके दिखाते हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे आपको मेन मेन फीचर्स मिलते हैं, जो कि एफिलिएट का भी ऑप्शन मिलता है, चाइल्ड पेल, करेंसी, सेटिंग, सब ऑप्शन आपको इसके अंदर गाइस मिल जाता है। मैनुअल पेमेंट भी इसके अंदर गाइस आप लगा सकते हो। तो चलिए कुछ इस तरह का वेबसाइट आपको बना करके दिखला देते हैं। तो कुछ इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका स्क्रिप्ट डाउनलोड करना होगा, जो कि स्क्रिप्ट प्रीमियम में डाउनलोड करने का आपको अनजिप करना है। अनजिप करने का आपको स्क्रिप्ट डॉट जिप का एक जिप फाइल मिलेगा, ठीक है, इसको अपलोड करना है अपने होस्टिंग पे सीपीएल के अंदर। आई होप कि आपका डोमेन एंड होस्टिंग है, डोमेन होस्टिंग होगा तभी आप एसएमएम पैनल वेबसाइट बना सकते हो। तो मेरे पास डोमेन होस्टिंग एंड स्क्रिप्ट तीनों चीज़ें, तो मैं बना करके दिखला रहा हूँ। तो आपको राइट इस पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर देना है एक्सट्रैक्ट फाइल, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे फाइल आ जाएंगे, जितने भी आपको फोल्डर दिख रहे हैं ये सारे कुछ इस तरह का आ जाएंगे। उसका वो क्लिक करना ऐप पे, उसका वो क्लिक करना है कन्फिग डॉट पी एच पी को एडिट कर देना है। यहाँ पे एडिट पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपको डाटाबेस बना करके आपको उसका डिटेल्स गाइस फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माई एच क्यू डाटाबेस पे हम जाएंगे, यहाँ पे एक डाटाबेस हम नया बनाएंगे, आपको भी अपना एक नया डाटाबेस बना लेना है। मैंने इस इसके को पहले इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन मैं आपको भी इंस्टॉल करना सिखा दे रहा हूँ किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। सेम डोमेन पे मैंने भी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो मैं डाटाबेस का नाम माफिया दे रहा हूँ, ठीक है, आपको यूज़र नेम में भी आपको माफिया जो भी आप देना चाहते हो, डाटाबेस नेम और डाटाबेस यूज़र नेम आप दे सकते हो अपने हिसाब से। पासवर्ड जनरेट करके पेस्ट कर देना है दोनों बॉक्स के अंदर, पासवर्ड आपको कॉपी करके भी रखना है, पासवर्ड एंड एल परमिशन दे करके नेक्स्ट स्टेप पे गाइस आपको क्लिक कर देना है। उसके आपको यहाँ पर डाटाबेस का डिटेल डालना है, सबसे पहले पासवर्ड की जगह पासवर्ड अपना टाइप करना है, डाटाबेस का यूज़र नेम कॉपी करना है, तो यूज़र नेम आपको यूज़र नेम की जगह डाल देना है। कुछ इस तरह से देख सकते हो मैं जैसे डाल रहा हूँ, नीचे भी यूज़र नेम डाटाबेस नेम दोनों हमारा सेम है, तो सेम डालेंगे। और आपका डिफरेंट डिफरेंट आपको डालना है। उसका सेव चेंजेस पे गाइस हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इसके अंदर एसक्यूएल अपलोड करेंगे अपने डाटाबेस के अंदर। तो उसके लिए आपको जाना होगा पीएचपी माई एडमिन के अंदर, तो पीएचपी माई एडमिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ गाइस सिंपली। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे हमारा डाटाबेस आ चुका है, आपको वो डाटाबेस सेलेक्ट करना जो आपने बनाया था। देख सकते हो माफिया के नाम से मैंने बनाया था, डाटाबेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे और एसक्यूएल फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से चूज कर लेते हैं एसक्यूएल फाइल। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको जिप फाइल जब अनजिप करते हो उसके अंदर एसक्यूएल मिलता है, इंस्टॉलेशन गाइड और जिप फाइल, जो कि जिप फाइल मैंने अपलोड किया सबसे पहले। इंस्टॉलेशन गाइड के अंदर बताया गया कैसे कैसे आपको इंस्टॉलेशन करना है, उसके अंदर आपको कौन सा वगैरह सब मिल जाएगा। और डाटाबेस एसक्यूएल जो है इसको अपलोड कर देना, सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है, आपका एसक्यूएल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट हमारा डाटाबेस सक्सेसफुली हो चुका है। उसका आपको जो भी आपका डोमेन नेम है ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है, आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो ओपन कर लेते हैं ब्राउजर के अंदर अपना डोमेन नेम, ठीक, देख सकते हो यहाँ पे गाइज मैंने अपना डोमेन नेम ओपन किया। देख सकते हो इंस्टॉलेशन हमारा यानी डोमेन नेम पे हमारा लाइव हो चुका है हमारा वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है एडमिन पे, एडमिन पे लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है, देख सकते हो। तो इसका डिफॉल्ट ईमेल आईडी पासवर्ड क्या है, ईमेल आईडी आपका admin@admin.com, पासवर्ड है 123456, ठीक है। इसको डाल करके हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं एडमिन पैनल। तो देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। उसके बाद देख सकते हो गाइस हमारा एडमिन पैनल गाइस लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड आ चुका है, जो कि मैंने आपको डेमो के टाइम दिखाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पे न्यू ऑर्डर, रिफिल, कैटेगरी, सर्विस, टिकट, चाइल्ड पेयर, ट्रांजेक्शन लॉग, यूजर मैनेजर, सिस्टम सेटिंग। सबसे पहले सिस्टम सेटिंग के अंदर जा करके आपको नाम चेंज कर लेना है अपने वेबसाइट का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेना है, कीवर्ड चेंज कर लेना है, लोगो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कुकीज, ट्रांस पॉलिसी, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग, करेंसी सेटिंग, चाइल्ड पैनल,
अफिलेट सेटिंग अदर, ये पे आपको कहाँ से ऐड करना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, पे प्रोवाइडर, पेमेंट, पेमेंट बोनस, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप पेमेंट गेटवे यहीं से लगा सकते हो, ए पी आई प्रोवाइडर आप यहीं से ऐड कर सकते हो गाइज, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आपके एस एम एम पैनल वेबसाइट के अंदर। तो गाइज अगर आप कंप्लीट एस एम एम पैनल वेबसाइट अगर आप हमसे बनवाना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये वाला स्क्रिप्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्रीमियम स्क्रिप्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया किस तरह से आप अपना खुद का एस एम एम पैनल वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हम प्रीमियम स्क्रिप्ट थीम प्लगइन सोर्स कोड का गिवअवे करते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बाय।